हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को SPM ऑनलाइन क्लास में मैं शिवा भाई स्वागत करता हूं। तो आज मैं केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण जो टॉपिक उठाया हूं दोस्तों, वो है नाभिकीय रसायन। ये नाभिकीय रसायन दोस्तों जो क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो यहाँ इस टॉपिक से जो प्रश्न जो बनते हैं, है ना, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं कवर कराने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी जो परमाणु का अगर हम स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें आप जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि किसी भी परमाणु का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। तो आप जानते हैं उसके जो सेंटर में दोस्तों क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटॉन होता है, है ना, जिसे पी से दर्शाते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ये धन आवेशित कण होता है। और आप जानते हैं दोस्तों, ये प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्ड स्टीन नामक जो है ना वैज्ञानिक ने किया था। अगर हम बात करें तो ये नाभिक की जो खोज किसने किया था दोस्तों, रदरफोर्ड नामक जो साइंटिस्ट ने किया था, है ना। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसी जो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है दोस्तों, चक्कर लगाता है, जिसे हम ई से दर्शाते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये ऋण आवेशित आयन से दर्शाते हैं, या ऋण आवेशित आयन होते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं, ये जो प्रोटॉन के जो समीप है दोस्तों, एन मतलब दोस्तों न्यूट्रॉन होता है ना, ये दोस्तों न्यूट्रॉन एन से दर्शाते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये उदासीन युक्त कण होते हैं, है ना। ये न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक नामक जो साइंटिस्ट ने किया था, ठीक। उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज सर जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक ने किया था। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक जो बैकग्राउंड है, है ना। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसकी जो गति है एक समान तो नहीं रहती, तो कभी जो है ना कम, कभी जो ज्यादा। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का जो गति क्या होता है, है ना, परिवर्तन होता रहता है, है ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये जो नाभिक है ना, नाभिक का भी जो है ना, नाभिक का जो प्लस जो आयन है, धन आयन होता है, या नाभिक का परिवर्तन होना भी इसमें जो स्वाभाविक सी बात है या होता है। तो इन्हीं जो है ना, नाभिक में जो परिवर्तन होने वाले जो अभिक्रियाओं के बारे में ही दोस्तों इसके जो अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय रसायन, है ना। तो ऐसी जो अभिक्रिया जो किसी भी जो परमाणु के नाभिक अभिक्रियाओं में या नाभिकीय अभिक्रियाओं में या नाभिक में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन होता है, तो उसी हम कहते हैं दोस्तों नाभिकीय रसायन। तो इसी जो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत हम पहले बात करने वाले हैं दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का, या रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं एक्चुअल में ये रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, है ना। तो दोस्तों ये रेडियो एक्टिविटी का खोज है फ्रांस के जो एक भौतिक शास्त्री थे, जिसका नाम है हेनरी बेकुरल, है ना, हेनरी बेकुरल ने किया था। तो इसके जस्ट पहले एक्स किरणों का जो खोज किया था दोस्तों 1896 में रांटजन नामक जो वैज्ञानिक ने किया था। तो जैसे ही दोस्तों रांटजन नामक जो वैज्ञानिक ने 1896 में एक्स किरण के जो खोज किया था, तो उसके बाद दोस्तों हेनरी बेकुरल ने जो है ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों। जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट जो करने वाले थे, या धूप में जो करने वाले थे, है ना, गर्मी में अगर देखा जाए, तो उस दिन पानी गिरने लगा, बहुत ज्यादा पानी गिरने लगा। उसके साथ दोस्तों बादल छाया हुआ था, है ना। तो उसके जो सेकेंड दिन हेनरी बेकुरल नामक जो साइंटिस्ट ने क्या किया दोस्तों, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया कि एक था दोस्तों पोटेशियम यूरिनल सल्फेट, ये क्या है, केमिकल है ना, पोटेशियम यूरिनल एक सल्फेट था। तो उस पोटेशियम यूरिनल सल्फेट को दोस्तों इसमें उन्होंने क्या किया, कागज के जो एक लपेटर जो मार करके जो है ना, बेच के जो ड्राज में उसको क्या कर दिया दोस्तों, रख दिया इसने, ठीक है। हेनरी बेकुरल ने पोटेशियम यूरिनल सल्फेट को कागज में जो लपेटा जो मार करके कहाँ पर रख दिया दोस्तों, एक मेज के जो ड्राज पर रख दिया। तो आप जानते हैं दोस्तों, उस ड्राज में कुछ फोटोग्राफ की प्लेटें भी उसमें थी, है ना, फोटोग्राफ की जो प्लेटें थी, है ना, या प्लेट थी उसमें भी रखी हुई थी। तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद, या है ना, एक या दो दिन के बाद, उसमें हेनरी बेकुरल ने यहाँ देखते हैं कि जो फोटोग्राफिक का जो प्लेट है दोस्तों,
वो क्या हो चुकी है, इस पोटेशियम यूरिनल जो सल्फेट के कारण दोस्तों वो क्या हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है। तो उन्होंने देखा कि ये जो अगर देखा जाए जो पेपर में जो लपेटे हुए जो पोटेशियम यूरिनल जो सल्फेट से दोस्तों इस जो एक्सपेरिमेंट से यहाँ पता चलता है, तो कोई ना कोई जो किरण होगा या कोई ना कोई जो कण होगा जो फोटोग्राफिक जो प्लेट को जो क्या करती है दोस्तों इफेक्ट डालती है या प्रभाव डालती है। तो उन्होंने दोस्तों यह जो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान यह देखने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें जो है ना कोई ऐसे अदृश्य किरणें होंगी है ना जो कागज या जो फोटोग्राफिक जो प्लेट को जो भेजने की जो क्षमता रखता हो या फिर ये गैसों को आयनित करने की क्या रखता है दोस्तों, ये क्षमता रखता है। और इसके साथ साथ जो धातु की जो मोटी जो चादर का है ना जो चादर होती है दोस्तों उसको भेदने की जो है ना एक क्षमता होती है इस किरणों में, ठीक है। तो आगे जाकर के दोस्तों ये दोस्तों एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये रेडियो एक्टिविटी ये जो एक्स किरणों के जो समान ही है ना 5 सेंटीमीटर वाले या मोटी चादर को क्या करने की क्षमता रखती है, भेदने की क्षमता रखती है। फिर बाद में दोस्तों एक मैडम क्यूरी ना मैडम क्यूरी और जो स्मिथ नामक जो साइंटिस्ट आए है ना, तो यह जो गुण दोस्तों थोरियम है ना ये थोरियम है ना एक रासायनिक जो पदार्थ है उन्होंने उसमें भी देखा गया। फिर बाद में दोस्तों इन्हीं जो अदृश्य जो किरणों को क्या कहा गया, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहा गया, ठीक है। तो दोस्तों इसके रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से जो पदार्थ आते हैं इसको हम देखते हैं, जिसमें अगर हम बात करें दोस्तों थोरियम आता है जिसे TS से दर्शाते हैं, उसके बाद होता है दोस्तों पोलिनियम है ना, पोलिनियम होता है, फिर आपका ये रेडियम होता है, ठीक है, थोरियम पोलिनियम फिर रेडियम, उसके बाद दोस्तों ये एक्टिनियम, ये क्या अनेक जो है ना इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों कुल अब तक के अगर देखा जाए तो ये 40 जो प्रकार के दोस्तों क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो है ना अब तक के जो है ना खोज की जा चुकी है, जिसमें से जो महापुर जो थोरियम है फिर पोलिनियम है रेडियम है एक्टिनियम है ना। तो इन पदार्थों से दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे जो है ना अदृश्य जो किरणें जो निकलती हैं है ना जो गैसों को आयनित करने की क्षमता रखता है, इसके साथ साथ जो है ना धातु की जो चादरों को जो भेदने की क्षमता रखता है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये गुण दिखाते हैं। तो इसी को दोस्तों क्या कहा गया, हेनरी बेगुरन जो नामक जो साइंटिस्ट ने है ना क्या कहा, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहलाया या कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके जो कुछ बेसिक अगर हम बात करें तो मेरी एस क्यूरी है ना मेरी एस हाँ, इसके साथ आप लोग को यह भी बता दोस्तों जो मैडम क्यूरी, ये दोस्तों मैडम क्यूरी उसके जो पति पीरी क्यूरी थे ना, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना उसके जो पति पीरी क्यूरी ने, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उन्होंने यह पाया कि उनको संदेह लगा उसके जो वाइफ को, ठीक है, तो कौन मैडम क्यूरी को संदेह लगा कि इसमें जो कुछ और अतिरिक्त जो पदार्थ इसमें पाया जाना चाहिए है ना, उनको जो लगने लगा। फिर बाद में दोस्तों आप जानते हैं धीरे धीरे पहले तो क्या हुआ थोरियम का जो है ना खोज हुआ है ना, फिर थोरियम का खोज हुआ, फिर बाद में दोस्तों क्या हुआ पोलिनियम का जो उसी में दोस्तों क्या किया जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना तो पोलिनियम का खोज हुआ। ये पोलिनियम इसलिए रखा गया दोस्तों क्योंकि जो मैडम क्यूरी थी ना वो पोलैंड के रहने वाली थी है ना, तो इस कारण से इसको पोलिनियम कहा जाता है ना। तो इस प्रकार दोस्तों धीरे 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 40 प्रकार के जो है ना तत्वों का जो है ना इसमें खोज किया गया, ठीक है। तो हम दोस्तों मैडम क्यूरी का थोड़ा एक बेसिक जो बैकग्राउंड हम पता कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैडम क्यूरी का अगर हम जन्म देखें दोस्तों 1867 में बारसा जो पोलैंड में जो है ना इसका जन्म हुआ था, और उनके जो पिता दोस्तों हाई स्कूल के क्या थे टीचर थे है ना। और इसके साथ दोस्तों 1891 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दोस्तों कहाँ चलेगी, ये पेरिस चलेगी। फिर पेरिस चलने के जाने के बाद दोस्तों भौतिकी के जो प्रोफेसर थे पीरी क्यूरी से जो है ना उनका जो विवाह हुआ। और आगे जाकर के दोस्तों 1902 में रेडियम का जो है ना शुद्ध लवण बनाया, रेडियम का क्या बनाया दोस्तों शुद्ध लवण बनाया।
और आगे जाकर के है ना उसके जो पति के साथ दोस्तों क्या क्या नोबेल पुरस्कार से भी जो है इन लोगों को जो है ना सम्मानित किया गया। और ये दोस्तों नाभिकीय विकिरणों के कारण, नाभिकीय जो विकिरणों के जो कारण इनका जो प्रभाव के कारण ल्यूकोमिया नामक जो बीमारी के कारण दोस्तों मैडम क्यूरी का क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये रेडियो एक्टिविटी ये पदार्थ होता क्या है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी जो रेडियो एक्टिविटी जो पदार्थ से ऐसे जो कौन कौन से जो किरणें जो निकलती हैं उसको हम देखते हैं, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। अगर हम बात करें तो दोस्तों इस पर दोस्तों एक रदरफोर्ड नामक जो है ना, है ना, रदरफोर्ड नामक जो साइंटिस्ट ने कैसा अध्ययन किया, तो रेडियोधर्मी तत्वों में जो है ना उत्सर्जित विकिरणों की जो अगर हम नेचर देखें तो उन्होंने जो क्या किया दोस्तों, रदरफोर्ड नामक जो साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या लिया, ये दोस्तों विद्युत आवेश का एक्चुअल में देखा जाए तो प्लेट है, तो जहां पर दोस्तों क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें कोई भी जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ इसमें ले लीजिए, चाहे आप थोरियम हो, चाहे आप पोलिनियम हो, चाहे आप क्या लो हो दोस्तों, एक्टिनियम हो, है ना। तो इन एक्टिव आवेश में दोस्तों विद्युत आवेशित प्लेट है ना, जिसमें तो आप जानते हैं दोस्तों इसमें जो माइनस आयन, इसमें दोस्तों प्लस आयन, इसमें एक प्लेट हो, ठीक है। तो दोस्तों जब इनमें से इस विद्युत आवेश प्लेटों के अगर हम बीच में अगर हम बात करें तो इसमें जो क्या है दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इस रेडियो एक्टिव जो पदार्थ से दोस्तों इसमें जब किरणें जब निकलने लगेगी है ना, इनसे जब किरणें जब निकलने लगेगी दोस्तों, जो एक जो किरणें दोस्तों इससे जो बनाते हुए थोड़ा सा जो कोण बनाते हुए दोस्तों ये किधर चली जाएगी, ये बाएं की ओर चली जाएगी, तो उसे नाम दिया गया दोस्तों अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण जो ऋण आवेशित, ऋण आवेशित की ओर क्या कर देती है दोस्तों, ये झुक जाती है, ठीक है, जिसे देते हैं दोस्तों अल्फा कण। फिर इसी जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ से दोस्तों ये जो किरणें क्या हो जाएंगी, यू प्लस आयन के है ना, ये दाई ओर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये झुक जाएगी, तो उसे कहा गया दोस्तों बीटा कण, है ना, बीटा कण नाम दिया गया किसने, रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक ने। और तीसरा जो कण होता है दोस्तों है ना, ये जो कण दोस्तों रेडियो एक्टिव जो पदार्थ से है ना बिना जो आयनित ना हुए दोस्तों ये सीधे निकल जाती है, उसको नाम दिया गया दोस्तों ये गामा किरणें, है ना। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण, अगर हम अल्फा कण की अगर हम बात करें तो ये जो ऋण आवेशित जो प्लेट है दोस्तों, ये जो ऋण आवेशित जो प्लेट है, ये अल्फा कण क्या होते हैं दोस्तों, एक धनावेशित कण होते हैं, धन आवेशित जो कण होने के कारण दोस्तों ये जो माइनस आयन की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों, ये जो क्या था इधर सॉरी मैं दाहिने बोल दिया ना, तो ये बाएं तरफ इधर मुड़ गया ना, इधर मैं देखूं तो देखूंगा तो क्या होगा, ये दाहिने तरफ होगा, तो दाहिने तरफ क्या है दोस्तों प्लस आयन या धन आयन है ना। तो ये अल्फा कण सॉरी ये जो बीटा कण है दोस्तों अगर हम बात करें है ना, ये जो माइनस जो आयन होते हैं तो इस जिसके कारण से ये जो धन आयन की ओर क्या हो जाते हैं दोस्तों, मुड़ जाते हैं, है ना। तो ये जो गामा किरणें हैं दोस्तों ये उदासीन जो कण है, जिसके कारण से इस पर जो प्लस और ये धन आयन का जो है ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सीधे निकल जाती है ना। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ, अल्फा कण और ये बीटा कण और दोस्तों गामा किरणें का जो है ना खोज किया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों रेडियो एक्टिव जो पदार्थ से जो निकलने वाले जो अल्फा कण और ये बीटा किरणें और ये गामा किरणें के क्या क्या जो गुण होते हैं, हम इसको एक एक कर हम देखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो अल्फा कण होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ये धन आवेशित जो कण होते हैं, ठीक है, धन आवेशित जो कण होते हैं एक्चुअल अगर देखा जाए, ठीक। दूसरा होता है दोस्तों ये कणों का जो वेग होता है दोस्तों है ना, ये जो नाभिक से जब उत्सर्जित हो, ये नाभिक से जब उत्सर्जित होते हैं ना, इनके जो वेग कणों का जो वेग है दोस्तों, ये प्रकाश के जो वेग से दोस्तों 1/10 गुना होता है, 1/10 गुना से उससे कहीं अधिक होता है, ठीक। और उसके बाद है दोस्तों ये तीसरा अल्फा कण, ये गैसों को जो है ना दोस्तों क्या करने का क्षमता रखता है, ये आयनित करने की वो क्षमता रखता है।
और ये दोस्तों धातु चादर को जो है ना ये भेदने की जो है ना ये विशेष एक क्षमता रखता है। किसके पास? ये अल्फा किरण के पास। ये दोस्तों क्या है, ये अल्फा किरण का जो है ना एक महत्वपूर्ण गुण है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बीटा किरणें, है ना। ये दोस्तों बीटा किरणें इसे ऋणात्मक आयन से दर्शाते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1838 भाग होता है, है ना। ये दूसरा ये गुण है। और इसका साथ देखेंगे दोस्तों जो प्रकाश का वेग और दोस्तों बीटा किरणें का जो कण का वेग क्या होता है दोस्तों, इसमें बराबर होता है, है ना। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो अल्फा किरणें का के जो गतिज ऊर्जा की अपेक्षा दोस्तों ये बीटा जो किरणें का जो गतिज ऊर्जा अधिक होता है इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गामा किरणें। तो आप जानते हैं दोस्तों ये जो गामा किरणें क्या होती हैं, ये उदासीन युक्त जो कण होती है दोस्तों, इसका जो अगर हम बात करें तो अल्फा किरणें और बीटे किरण है ना, इसमें क्या है आयनित करने के गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है अधिक होती है। लेकिन दोस्तों ये उदासीन जो कण होते हैं ये गैसों को आयनित करने की जो क्षमता है दोस्तों वो कम होती है, ठीक। इसमें दोस्तों अगर हम देखा जाए तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो निकलने वाले जो कण अल्फा किरणें का जो कण दोस्तों और ये प्रकाश का वेग इसमें अगर देखा जाए तो बराबर होता है, है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये जो किसी भी जो चादर को या जो 5 सेंटीमीटर जो एल्यूमिनियम की जो चादर है या धातु का जो चादर है दोस्तों, ये लगभग ये 5 सेंटीमीटर भी हो, उसको जो अल्फा किरणें और बीटा किरणें की जो अपेक्षा इसमें भेदने की जो क्षमता है दोस्तों सबसे ज्यादा अधिक होती है। ये आप यहाँ से भी एक पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, क्योंकि इसकी जो भेदन क्षमता अल्फा किरणें और बीटा किरणें की जो अपेक्षा, है ना, गामा किरणें का जो भेदन क्षमता दोस्तों वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना सीधे निकल जाती है, है ना, इसका जो भेदन क्षमता है वो अधिक आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये अल्फा किरणें और बीटा किरणें और ये गामा किरणें के जो है ना एक मुख्य गुण दिखाते हैं, है ना। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों जो पेपर की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ एक और चीज दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी का जो अगर हम बात करें इसका जो यूनिट क्या होता है, इकाई होता है। ये भी जो यूनिट या जो इकाई अगर हम बात करें दोस्तों ये भी बहुत बार पेपर में जो आ चुका है, है ना दोस्तों। ये रेडियो एक्टिविटी की जो अगर हम इकाई देखें दोस्तों, इसे जो क्यूरी से दर्शाते हैं ना, क्यूरी, है ना, ये किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था ना, है ना, जो लास्ट में जो अंतिम में जो है ना इसका जो कहा था, तो क्यूरी से दर्शाते हैं इकाई। और अगर हम बात करें दोस्तों एक विघटन प्रति सेकेंड रेडियो एक्टिविटी को दोस्तों जिसे हम कहते हैं एक बेकुरियल कहते हैं, एक विघटन, ये जो विघटन एक जो सेकंड में जितने बार जो विघटन होता है दोस्तों उसके एक बेकुरियल कहते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें विकिरणों का उत्सर्जन, है ना, यहाँ तक के हो गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों बीटा कण को, हाँ उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान क्षति, ठीक है। एक्चुअल में ये द्रव्यमान क्षति होता क्या है इसको हम समझते हैं दोस्तों। हाँ जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पहले भी मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि किसी भी जो परमाणु का क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं इसमें जो रेडियो एक्टिविटी का जो परमाणु लिया गया दोस्तों उसको हम समझते हैं ना। ये क्या है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का क्या है दोस्तों, ये परमाणु है, है ना। अगर हम बात करें आप जानते हैं दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें दोस्तों न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन दोस्तों, और एक होता है दोस्तों क्या प्रोटॉन, है ना। इसमें जो न्यूट्रॉन और दोस्तों क्या है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या इसमें लिख देता हूं दोस्तों न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉनों प्लस दोस्तों प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और दोस्तों ये प्रोटॉनों की जो संख्या को एक साथ कहा जाता है दोस्तों क्या न्यूक्लॉन, न्यूक्लॉन, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या को कहा जाता है दोस्तों न्यूक्लॉनों की संख्या, है ना। तो इसका जो द्रव्यमान क्या हो जाता है दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान इस न्यूक्लॉनों की जो संख्या जो है ना क्या होता है दोस्तों वो अधिक है, है ना, इसका इसके जो अपेक्षा अधिक है। मतलब दोस्तों
ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉनों का जो निकलने की जो संख्या, इसकी जो अपेक्षा जो कम है, तो उसी को कहा जाता है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का जो क्षति या द्रव्यमान का क्षति भी कहा जाता है ना। तो इस तरह से आप दोस्तों इसमें परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें से और बन सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों समस्थानिक, है ना। ये समस्थानिक से भी जो है ना बहुत सारे ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये समस्थानिक होता क्या है, इसको हम इसी वीडियो में हम बात करने का प्रयास करेंगे। समस्थानिक, है ना। अगर हम समस्थानिक किसी भी जो परमाणु का अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, जिस भी जो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन उसका जो परमाणु भार दोस्तों भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं समस्थानिक या आइसोटाइप, ठीक है। तो वह जो परमाणु समस्थानिक वह होता है जो किसी भी जो परमाणु का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, समान होता है लेकिन उसका जो परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों समस्थानिक। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को मैं समझाने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। अगर हम बात करें जैसे ये हाइड्रोजन के ना, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों, उसका जो तीन समस्थानिक होते हैं, पहला है हाइड्रोजन ये वन, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन वन रहेगा लेकिन इसका दोस्तों प्रोटॉन की अगर संख्या देखें दो, और उसके बाद दोस्तों इसे जो दोस्तों भारी जल भी कहा जाता है या ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। तीसरा होता है दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक तो क्या रहेगा दोस्तों, एक ही होता है, और इसका जो परमाणु जो भार होता है दोस्तों वो तीन होता है ना। तो ये हाइड्रोजन, उसके बाद दोस्तों इसे ड्यूटेरियम भी कहा जाता है, और इसे दोस्तों ये D2O से भी दर्शाते हैं, ये भारी जल भी कहा जाता है। ये पेपर के लिए बहुत दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्राइटियम, है ना, ट्राइटियम। और इसके एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों इसे हाइड्रोजन ही कहा जाता है। तो अगर हम बात करें एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन के जो जितने भी जो समस्थानिक में जो यहाँ पर लिखा हूँ दोस्तों, ये है ना प्राकृतिक में, प्राकृतिक रूप से या प्रकृति में नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों इसे आर्टिफिशियल के तौर पर या आर्टिफिशियल रूप से इसे बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन का, अगर हम बात करें तो ये है ना जो जिसे हम कहते हैं दोस्तों इसका प्रोटियम, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, उसके बाद दोस्तों ट्राइटियम। अगर हम प्रोटियम का अगर हम परमाणु क्रमांक देखें दोस्तों एक है, और इसका जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है दोस्तों जीरो है। जो प्रोटियम का न्यूट्रॉनों की जो संख्या है दोस्तों जीरो है, और है ना इसका जो परमाणु भार है कितना है दोस्तों, एक है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों ड्यूटेरियम, ठीक है, इसका ड्यूटेरियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों एक है, और इसका जो परमाणु भार कितना है दोस्तों दो है, इसमें जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है दोस्तों एक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं ट्राइटियम, है ना। तो दोस्तों इसका जो ट्राइटियम अगर हम बात करें, है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक एक है दोस्तों, इसका जो है ना परमाणु भार की जो संख्या कितना होता है दोस्तों तीन, और इसमें जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या दोस्तों इसमें दो है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें जो अधिकतर देखा जाए तो जो जितने भी जो अगर कंपिटेटिव एग्जाम में जो प्रश्न जो बनते हैं, तो यहाँ से जो आया है इससे जो ज्यादा बहुत बार ये प्रश्न में आ चुका है ना। तो ये ड्यूटेरियम को दोस्तों एक भारी जल भी कहा जाता है। तो ये भारी जल का जो उपयोग है, ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये जो नाभिक के जो विखंडन या जो नाभिक के जो अभिक्रिया में अगर हम बात करें, तो ये दोस्तों न्यूट्रॉन को जो है ना एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए ये भारी जल का जो है ना उपयोग किया जाता है, या आप इसको दोस्तों अगर हम बात करें इसका मंदक के रूप में किया जाता है। किसका मंदक दोस्तों, मतलब जो नाभिक के अभिक्रियाओं में जो न्यूट्रॉनों को जो है ना अवशोषित करने के लिए किया जाता है ना। किसका उपयोग, ये ड्यूटेरियम का जो है ना उपयोग, है ना। तो इसी को बोला गया है दोस्तों एक मंदक के रूप में जो है ना इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसके साथ साथ दोस्तों एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसमें साधारण जल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जो है इसका जो उपयोग दोस्तों बहुत ही कारगर होता है। इस कारण से जो है ना इसका उपयोग, है ना, मंदक के रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं में भी जो है ना इस, है ना, इस भारी जल का जो है ना उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना इसका उपयोग देखने को ये मिलता है ना।
तो बाकी इसमें अगर देखा जाए तो ट्राइटियम प्रोटियम में इतना खास ये नहीं मिलते हैं, है ना। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि संभारिक, संभारिक भी इसमें कुछ कुछ है आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। संभारिक है ना दोस्तों, इसका जो परमाणु जो द्रव्यमान क्या हो दोस्तों समान हो, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक क्या हो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट हो या भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों संभारिक। जैसे आप लोग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे संभारिक है ना, जिसका परमाणु भार क्या हो दोस्तों बिल्कुल सेम हो, लेकिन जो परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या संभारिक। अंग्रेजी में इसे कहते हैं आइसोबार्स, है ना। कभी कभी पूछ दिया जाता है दोस्तों समस्थानिक को क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं अंग्रेजी में। कभी कभी क्या है ना अंग्रेजी वर्ड भी पूछ दिया जाता है आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स है ना, ये अंग्रेजी वर्ड है। और ये दोस्तों हिंदी में संभारिक। आप लोग को मैं दोस्तों एक एग्जांपल में सीधा दिखा दे रहा हूँ, है ना, जैसे कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का ये 40 दोस्तों आप जानते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक ये 19 है ना। और इसमें दोस्तों आप देखेंगे आयरन, ठीक है, इसका दोस्तों 40, और इसका भी दोस्तों कितना 18, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आइसोबार्स में भी ये संभारित ये देखने को ये मिलता है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक, है ना दोस्तों, ये इसे आइसोटोन्स भी कहा जाता है। ये भिन्न भिन्न तत्वों में दोस्तों जिनका जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या क्या होता है दोस्तों इसमें समान होती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, जिसे हम आइसोटोन्स कहते हैं अंग्रेजी में, आइसोटोन्स, ठीक है, इसे सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनिक की संख्या क्या हो दोस्तों समान हो। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू सिलिकॉन 30-14, ठीक। उसके बाद दोस्तों जैसे कि फास्फोरस, ये हो गया दोस्तों 31, और एक है 15। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ले सकते हैं ना, हमने जो समझा समस्थानिक क्या है और ये संभारिक है ना, जिसका जो परमाणु भार समान होता है लेकिन जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो अलग अलग होता है ना। उसके बाद दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक है ना, इसमें जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है वो बिल्कुल सेम होता है ना, जिसे हम कहते हैं दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। तो इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। और इसमें अगर देखा जाए दोस्तों हाँ, अर्ध आयुकाल, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों एक्चुअल में ये अर्ध आयुकाल क्या होता है ना। और अगर हम बात करें दोस्तों अर्ध आयुकाल, किसी भी जो परमाणु किसी भी जो कोई भी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है दोस्तों, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का है ना काल देखें तो धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद उसका क्या हो जाता है दोस्तों, प्रारंभिक मान की जो अपेक्षा वो आधा हो जाता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों अर्ध आयुकाल, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे कोई दोस्तों आप जानते हैं रेडॉन है ना, रेडॉन अगर हम बात करते हैं रेडॉन, इसका जो मान लीजिए इसका जो अर्ध आयुकाल है दोस्तों, अर्ध आयुकाल है 5 दिन, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू पर मैं समझ, इसका जो रिटर्न का जो अर्ध आयुकाल दोस्तों कितना दिन है, ये 5 दिन है ना, 5 दिन है मतलब आधा है, मतलब इसका जो फुल दिन क्या होगा दोस्तों, अगर मैं 5-5 10 दिन करूंगा तो मतलब इसका फुल दिन होगा, है ना। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्टिविटी होते हैं या एक्टिव होते हैं अन्य जो पदार्थों की तुलना में अगर देखा जाए तो, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना। तो इसका जो क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, कोई भी आप जानते हैं कोई भी जो जितने भी जो अवशेष या सेडिमेंटेशन या जो अवशेष का जब पहचान किया जाता है तो इसी अर्ध आयुकाल का जो है ना उपयोग किया जाता है या रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो है ना उपयोग किया जाता है ना। तो ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो अवशेषों को जो पहचान के लिए अर्धकाल आयु का अभिक्रिया का जो है ना उपयोग किया जाता है या रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना। जैसे मान लो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या चट्टाने हैं है ना, क्या है दोस्तों चट्टाने हैं, और आप जानते हैं दोस्तों हमारे जो पूर्वज कितने ही है ना साल जो पुराने यहाँ पर जो है ना
इन चट्टानों के बीच में दोस्तों दब करके जो है ना मर चुके हैं, दब करके क्या हो चुके दोस्तों, मर चुके हैं। और उसके बाद हम देखेंगे है ना 5000 ईसा पूर्व या 5000 जो साल के बाद है ना 5000 साल के बाद हम देखेंगे कि इन चट्टानों में अगर देखा जाए दोस्तों इसमें क्या मिले हैं मात्र है ना, उसके जो सेडिमेंटेशन के बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे चित्र या चित्रांकन या चिन्हांकित हमको देखने को मिलता है बाकी कुछ है ना। तो उसको जो वैज्ञानिक क्या करता है कि उसको दिखता है कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कितना साल पुराना है, तो उसमें क्या दिखता है, तो इसमें दोस्तों अगर चट्टानों को नहीं देखता बिल्कुल ये है ना, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो ना आयु का जो है इसमें गणना किया जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों ये जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है ना इन यौगिकों के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है ना, क्या इन यौगिकों के साथ या इन पदार्थों के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है ना। तो इन पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण दोस्तों ये वैज्ञानिक क्या करता है, इस जो पदार्थ का रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो है ना आयु का जो है ना गणना करता है ना। जब ये आयु का जब गणना करेगा दोस्तों तब इसका भी पता चल जाएगा कि ये कितना साल पुराना है ना। तो इसी के आधार पर ही दोस्तों है ना अवशेषों को जो वर्ष का जो पता ना है ना पता लगाने के लिए जो है ना अर्ध आयुकाल का जो है ना उपयोग किया जाता है ना, ये 3000 साल पुराना है, ये 5000 साल पुराना है, ये है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये 5000 साल पुराना के शैलचित्र मिले हैं, ये आदि मानव काल के हैं, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये अर्ध आयु काल के है ना अर्ध आयु काल के द्वारा ही दोस्तों है ना अवशेषों का जो है ना ये पता लगा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये देखने को मिलता है, जैसे कि 10 साल इसके जो प्रारंभिक मान के जो है क्या होता है दोस्तों आधा होता है, मान लो 50 साल ठीक है या 50 है, तो दोस्तों इसका जो आधा मान क्या है, इसका जो प्रारंभिक मान है मतलब आधा है, मतलब इसका आगे जा करके ये 100 होता है। इसका जो अक्षर में अगर देखा जाए दोस्तों इसका जो खासी होता है अर्धकाल आयु का भी अर्धकाल आयु का कि इसका जो अधिक जो वर्ष होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं अर्धकाल आयु में होते हैं ना, अर्धकाल आयु में होते हैं अधिक वर्ष अगर देखा जाए सबसे अधिक वर्ष होता है। इसके कारण से इस रेडियो एक्टिव जो पदार्थ को दोस्तों है ना क्या किया जाता है अर्ध आयु काल या अवशेषों को जो पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं है ना। इसमें दोस्तों कुछ अगर हम बात करें इसके दोस्तों T1 ना T1/2 बराबर दोस्तों 0693/ये गामा से दर्शाया जाता है इसको। ठीक है, अर्ध आयु काल है ना 1/2 T1/2 ये टाइम है दोस्तों है ना 1/2 मतलब अर्ध आयु काल है ना 0.692/ये गामा से दर्शाया जाता है। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों है ना, तो आज तक बस इतने ही दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक्स एंड शेयर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।